पद्धतीवर नक्कीच झालेला दिसून येतो. 10वी व 12वी नंतर विद्यार्थ्यांनी आपल्या पाल्याने काय करावे, पुढे कशात करिअर करावे, हा प्रश्न पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना पडतो. त्यांच्या या प्रश्नाचे निरसन करण्यासाठी संस्थेतर्फे हा कार्यक्रम राबवण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाचा फायदा हा नक्कीच पालकांना व विद्यार्थ्यांना होईल. त्यांचा हा वेळ नक्कीच सत्कारणी लागेल, कारण या कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शक वक्ते आहेत प्राध्यापक डॉक्टर दिनेश गुप्ता. सरांच्या नावाने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये विविध कार्यक्रमांतर्गत नोंदणी आहे. तसेच ते गोल्ड मेडलिस्ट, मेकॅनिकल अभियंता, प्रेरक वक्ता, लाईफ कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर, लेखक आणि माइंडसेट गुरु आहेत. असे सर्व विविध गुण संपन्न वक्ते आपल्याला आजच्या कार्यक्रमासाठी लाभले आहेत, त्यासाठी मी त्यांचे मनपूर्वक स्वागत करते. तसेच आता जास्त वेळ न घालवता मी प्राध्यापक डॉक्टर दिनेश गुप्ता सरांना विनंती करते की त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे. सदर कार्यक्रम हा युट्यूबवर लाईव्ह आहे. विद्यार्थ्यांना काही डाऊट्स असतील तर ते कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करू शकता आणि शेवटची 10 मिनिटं ही विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे, प्रश्नांचे, काही अडीअडचणी असतील तर त्यांचे उत्तर देण्यासाठी आहेत. तेव्हा विद्यार्थी आपले शंका मांडू शकतात, त्यांच्या शंकांचं निरसन तेव्हा करण्यात येईल. तर आता पुढे सर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपणास मार्गदर्शन करते. नमस्कार मॅम, धन्यवाद. तुम्ही एवढं चांगलं इंट्रोडक्शन दिलं कॉलेजबद्दल आणि माझ्याबद्दल. आणि आज आपण ज्या विषयावरती बोलणार आहे खूप महत्वाचा विषय आहे, कारण मी असं नेहमी सांगतो लोकांना, शर्टाचा पहिला बटन व्यवस्थित लागलं तर बाकीचं बटन बघायची काय गरज नसते, म्हणजे ते ऑटोमॅटिकली सही होऊन जातं. आज आपण जे 10वीचं जे आपलं 10वीमध्ये आपण आलेलो आहे, 10वी आपण प्रोमोटेड झालो आहे, तर सर्वात पहिले या प्लॅटफॉर्मला मी बाळासाहेब म्हात्रे पॉलिटेक्निक, बाळासाहेब ग्रुप ऑफ जे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आहे, त्यांना मी पहिले धन्यवाद देतोय. त्यांनी एवढं चांगलं प्लॅटफॉर्म मुलांसाठी आणि आमच्यासाठी त्यांनी हे अवेलेबल करून दिलं आहे. आता 10वी झालेलो आहे, 10वी आपलं झालेलं आहे, आता आपण प्रमोटेड झालोय, जे काय झालेलं आहे आता आपलं 10वी झालंय, पण 10वी नंतर करायचं काय? तर हे कार्यक्रम सुरू करायचा अगोदर आपण काहीतरी नियम पहिले आपण बनवणार आहे. मला फक्त 3च तुमच्याकडून अपेक्षा आहे. सर्वात पहिले जेवढं नोटिफिकेशन आहे तुमचं ते सर्व बंद करून टाका, व्हॉट्सअप असेल, फेसबुक असेल, जे काय असेल ते सर्व बंद करून टाका आणि पूर्ण फोकस इथे करा. कारण आता जे एक तास जे तुम्हाला मला द्यायचं आहे, एक तास, कारण हे एक तास तुमचं आयुष्यात एक नवीन बदल घेऊन येणार आहे. खूप काहीतरी आहे. आता मॅडमनी ऑलरेडी सांगितलंय की कोरोनामुळे आमचं पूर्ण म्हणजे सर्व जे आपले आयाम्स आहे, फिजिकल सायन्स बोला, शिक्षण क्षेत्र बोला, सामाजिक क्षेत्र बोला, प्रत्येक क्षेत्राला कोरोनाने काय केलंय, नष्ट करून टाकलेलं आहे. आणि या नष्ट मधूनच आपल्याला फिनिक्स पक्षी सारखं काहीतरी नवीन जग निर्माण करायचं आहे. तर आपला सर्वात पहिले तुम्हाला सर्व नोटिफिकेशन बंद करायचं आहे. 100% तुम्हाला इथे द्यायचं आहे. 100% म्हणजे 100% तुम्ही एक तास मला फक्त इथे द्या आणि एक तासानंतर जे तुम्हाला वाटेल ते तुम्ही ऍक्शन घेऊ शकतात, पण एक तास तुम्हाला इथे द्यायचा आहे. कारण हा आपल्या महाराष्ट्राचा जे बदलापूरमध्ये किंवा ठाण्याचा किंवा मुंबईचा सर्वात मोठा लार्जेस्ट वेबिनार आहे आणि खूप विद्यार्थी आणि पालक वर्ग इथे उपस्थित आहे. तर मी सर्वांना पहिले जे 10वीमध्ये जे विद्यार्थी पास झाले, प्रोमोटेड झाले, त्यांना मी शुभेच्छा देतोय या प्लॅटफॉर्मवरून. आणि आजचं जे सेशन आहे, SSC नंतर काय करायचं, 12वी नंतर काय करायचं, या विषयावरती आपण आज जे काय मला अनुभव मिळालेले, माझ्या आयुष्यात जे काय शिकायला मिळालेले, मी काय तुम्हाला शिकवायचा काय प्रयत्न नाही करणार, मी काय ते शिकवणार नाहीये, पण माझे जे अनुभव आहे ते मी तुमच्या बरोबर शेअर करणार आहे. आणि जे काय आपल्या आयुष्यात जे काय मिळालं, एक आयटीआय टर्नर पासून माझी सुरुवात झाली होती, आयटीआय ते आयआयटी मुंबई पर्यंत जे शिक्षण झालं होतं त्या विषयाबद्दल मी ते सांगणार आहे. आपण कुठलीही गोष्ट जेव्हा आपण साध्य करतो, कुठली गोष्ट आपण जेव्हा अचीवमेंट करतो, तर अचीवमेंट झाल्यानंतर आपण काय बनतो ते महत्वाचं आहे. तर 5 गोष्टी तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवा जेव्हा तुम्ही करिअर चूज करायला जाणार, तर हे 5 गोष्टी महत्वाचं आहे आणि प्रत्येक माणसाला हे माहीत पाहिजे, प्रत्येक स्टुडंटला माहीत पाहिजे, प्रत्येक पालकला हे माहीत पाहिजे की हे 5 गोष्टी कुठले आहेत. कारण मी तुम्हाला फीस देणार, मी तुम्हाला सांगणार या फील्डमध्ये जावा, त्या फील्डमध्ये जावा, त्यापेक्षा मी कोणाला तरी फीस देतो
मी कोणाला मासा देतो मी त्याचा फक्त एकच दिवस पोट भरू शकतो, पण समजा मी तुम्हाला शिकवलं मासा कसं पकडायचं, फिशिंग कसं करायचं, हे तुम्हाला जेव्हा माहीत पडणार तेव्हा तुम्हाला म्हणजे कधीच प्रॉब्लेम येणार नाही. हे पाच गोष्टी तेच आहे. सर्वात पहिले तुम्ही बघणार छत्रपती शिवाजी महाराज तुम्ही जेव्हा बघणार, किंवा तुम्ही गौतम बुद्धांना बघणार आहे, बाबासाहेब आंबेडकर यांना बघणार आहे, जेव्हा सचिन तेंडुलकरला तुम्ही बघणार आहे, जेव्हा वॉरेन बफेटला तुम्ही बघणार आहे, तर एक गोष्ट त्यांच्याकडून शिकायला मिळणार आहे ते म्हणजे आपले करिअरची सुरुवात लवकरात लवकर करा. आपली करिअरची सुरुवात लवकरात लवकर करा. पहिला नियम जे मी सांगतोय तुम्हाला की आपलं जे करिअर आहे जेवढा लवकर तुम्ही करिअरची सुरुवात करणार तेवढा तुमच्यासाठी चांगलं आहे. मी परत सांगतोय जितना जल्दी हो सके अपने करिअर की सुरुवात कीजिएगा. क्या होगा जितना जल्दी आप करिअर की सुरुवात करेंगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे. हो सकता है बहुत सारा नुकसान है, खूब काहीतरी त्रास होता है आपल्याला, कोणाचा कोणीतरी नातेवाईक हे झाले असेल त्यांना ते म्हणजे म्हणजे सोडून गेले असेल, नातेवाईक सोडून गेले असेल, कोणाचा जॉब गेला असेल, नोकरी गेली असेल, खूप काहीतरी नुकसान झालेलं आहे. पण एक गोष्ट अजून महत्वाचं आहे ते म्हणजे आपण जिवंत आहोत. हम लोग जिंदा है इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. आप लोग जिंदा है इसका मतलब अभी भी करियर बना सकते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना जल्दी हो सके करियर का निर्माण करना शुरू कर दो साहब. किसी में भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, पण प्रत्येक आपल्याला महत्त्वाचं म्हणजे ते आहे की जेवढा लवकर होईल तेवढा लवकर आपल्याला आपली करिअरची सुरुवात करायची आहे. सबसे पहले अपने को जितना जल्दी हो सके अपनी करियर की शुरुआत करनी है. दूसरा स्वॉट एनालिसिस, जब भी आप करियर की शुरुआत करने जाएंगे तो तुम्हारा सर्वात पहले फाइंड आउट करायचं आहे की माझा जे माझा मध्ये स्ट्रेंथ काय आहे. एस इज स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू इज स्टैंड फॉर वीकनेस. आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है और आपके सामने थ्रेटन कौन कौन सा है, कौन कौन से थ्रेटन आपके सामने अभी है, चैलेंजेस कौन कौन से है. तो आज आज आपको पता लगाना है कि मेरे अंदर ये चीजें हैं, मेरे अंदर जो खासियत है. ऊपर वाले ने हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को, हर एक विद्यार्थी को, हर एक पेरेंट्स को, हर एक के अंदर एक एक खासियत दिया हुआ है. हर एक के अंदर एक खासियत है और वो खासियत आपको पता लगाना है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ. जेव्हा तुम्ही करिअर निवडायला जाणार तर सर्वात पहिले स्वतःचा स्ट्रेंथ बघा. माझ्यामध्ये स्ट्रेंथ काय चांगलं आहे, माझ्यामध्ये वीकनेस काय, माझ्यामध्ये स्ट्रेंथ काय, माझ्यामध्ये वीकनेस काय, माझ्यामध्ये समोर अपॉर्च्युनिटीज कुठले कुठले आणि माझ्या समोर चॅलेंजेस कुठले कुठले. तर मी सर्वांना सांगणार आहे की ते फक्त मला एक विचारायचं का तुम्ही विद्यार्थी कुठून कुठून आहात, चॅट बॉक्स मध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे का तुम्ही सध्या कुठून आहात. ते सर्व म्हणजे आमच्या सर्वेसाठी मी बोलतोय की जे विद्यार्थी फक्त तुम्हाला चॅट बॉक्स मध्ये लिहायचं आहे की तुम्ही कुठून आहात सध्या, प्रत्येक विद्यार्थीने लिहायला पाहिजे. सर हिंदी में भी बोलो जरूर. शिखा साबा जी मोहम्मद जी बता रहे हैं कि हिंदी में बात करूं, मैं सभी भाषा में बात करूंगा, अंग्रेजी हिंदी मराठी. हाँ विक्रोली से है रोशनी बाविस्कर जी है, वो विक्रोली से है, वेरी गुड. बदलापुर से आनंद उपाध्याय जी है, शिरपुर से है, बापरे शिरपुर परंतु आम्ही पोहोचलो है, विक्रोली है ओ नेपाल से है, कलवा से है, विक्रोली बदलापुर वेरी गुड. तो ये हमारा जो आज का सेशन, पहला नियम बघितला की जेवढा लवकर जितना जल्दी हो सके अपनी करियर की शुरुआत कर दो. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, उन्होंने उनका विजन क्लियर था, मेरे को क्या बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, उनका विजन क्लियर था. याद रखिए आपको वही मिलता है जो आप सोचोगे. जिसके काबिल हो वो अलग बात है, सब लोग काबिलियत है लेकिन सब लोग ऊंचाई पे पहुंच पाते हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल सब लोग हैं लेकिन सब लोग बनते हैं क्या? नहीं बनते. जिस पर विश्वास है, जिस पर विश्वास होता है वही आदमी आगे बढ़ता है. तो सबसे पहले अपने करियर की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से एक चीज सीखने को मिलती है, जेवड़ा लवकर होईल अपने करियर की शुरुआत करून टाका. सचिन तेंडुलकर, भारत रत्न सचिन तेंडुलकर ने भी सिखाया, 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला मैच खेला था. वॉरेन बफेट ने 9 साल की उम्र में उन्होंने पहला इन्वेस्टमेंट किया था. तो हमें क्या करना है, ये सारी चीजें करनी है, जितना जल्दी हो सके करियर की शुरुआत करनी है. फिर उसके बाद हमें क्या करना है, स्वॉट एनालिसिस करना है. आप लोग नेट पे अगर आपको कोई चीज नहीं समझ रही है तो कंफ्यूज मत हो जाइए, सिर्फ लिख के रखो आपके डायरी में. आपके पास एक डायरी और एक पेन होना चाहिए, डायरी और पेन में लिख के रखो, आप पार्किंग करके रखो, आप बाद में मैं वो सारा चीज आपको क्लियर कर दूंगा. स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस म्हणजे शोध स्वतःचा. अपने आप को जानो, पहले अपने आप को जानो साहब, मेरे को कौन सा चीज पसंद है, मुझे कौन सा चीज पसंद है, मुझे कौन सा ऐसा काम है, मैं भूख भूल जाता हूँ, मैं प्यास भूल जाता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं दोस्तों को भूल जाता हूँ वो काम करने में. वो शायद हो सकता है मशीन रिपेयरिंग का काम होगा, वो डिप्लोमा का काम होगा, कुछ भी हो सकता है, दवाई बनाने का, दवाई हेल्प करने का, सामाजिक कार्य करने का. तो आपको फाइंड आउट करना है. तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आज के बाद अपने अंदर एक आत्मविश्वास भर दो. यस नहीं है तो नकली आत्मविश्वास भरो, उसका टैबलेट ले लो आत्मविश्वास का. आज के बाद जो भी काम करोगे आत्मविश्वास के साथ काम करने का, साथ जो भी काम करेंगे यानी 100% गिव योर 100%. जब आप लाइफ को 100% देंगे तो सामने वाला भी आपको 100% देगा.
देखा आजपासून तिसरा जे नियम आहे आजपासून जे काय तुम्ही मला इथे ऐकताय ना तर 100% देऊन ऐका. मी खरं सांगतो तुम्हाला 100% मी रिझल्ट देणार आहे. कुठलं पुस्तक मधून नाही हे कुठलं पुस्तक मध्ये नाही कहीं से पढ़ के सुन के आपको नहीं बता रहा हूं साहब. ये एक एक लाइफ से जो सीखने को मिला है 15 साल का जो 94 से लेकर अभी तक का जो नॉलेज मिला है वो सारा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं. तो एक आत्मविश्वास पैदा करो. हो सकता है आपको अंग्रेजी आज थोड़ा सा कमजोर होगा, आज की तारीख में कमजोर है साहब, आज की तारीख में कमजोर है, लेकिन फ्यूचर इसका बेस्ट होने वाला है. आगे केवल बेस्ट है, फ्यूचर हमेशा ब्राइट होता है, याद रखो. दूसरी बात है, हो सकता है आपका मैथ्स अच्छा नहीं होगा, हो सकता है आपका साइंस अच्छा नहीं होगा, हो सकता है आपके अंदर स्किल नहीं होगा, हो सकता है मी ना कुठलं पण काम ना माझ्या हातून चुकून होतो. आजच्या तारखेला का होतो चुकून? कारण आत्मविश्वास नहीं है. तो हमें क्या करना है, अपने अंदर एक आत्मविश्वास को भरना है. चौथा, आज के बाद से हर काम के अंदर रेनबो जेब्रा बनना है. रेनबो जेब्रा, जेब्रा क्या होता है सबको मालूम है, दो ही कलर का होता है, ब्लैक एंड व्हाइट. ब्लैक एंड व्हाइट कलर का जेब्रा होता है, लेकिन आज पासून जे काय अपन काम करना है ना त्यामध्ये रेनबो जेब्रा व्हायचा. रेनबो जेब्रा म्हणजे काय, अगर आपके सामने एक जेब्रा आ जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट है वो आप हमेशा देखते हो, लेकिन एक जेब्रा आ जाएगा जो कलरफुल है, काहीतरी नवीन है त्यात, काहीतरी नवीन है त्या झेब्रामध्ये. आपण जाणार त्याच्याबरोबर, आपण सेल्फी काढणार त्याबद्दल, आपण माहिती लिहिणार, आपण व्हिडिओ बनवणार त्याच्याबरोबर, आपण लोकांबरोबर शेअर करणार. आजपासून जे काय तुम्ही करिअर बनवणार आहे, मुबारक हो तुमको तुम जो बनो, मुबारक हो तुमको तुम जो बनो, लेकिन सबसे पहले नेक इंसान बनो और एक हटके कुछ नया काम करो. एक हटके काम करने का, आजपासून समजा तुम्ही डिप्लोमा मध्ये जाणार आहे, तुम्ही डिप्लोमा मेकॅनिकल मध्ये जाणार आहे, सिव्हिल मध्ये जाणार आहे, आयटीआय मध्ये जाणार आहे, आर्ट्स कॉमर्स सायन्स जे काय घेणार आहे त्यामध्ये रेनबो झेब्रा व्हायचं, काहीतरी वेगळंपणा दाखवायचं. आप गाना गा रहे हो तो उस गाने के अंदर कुछ नया होना चाहिए. किशोर कुमार का एक आता था ना उल्ले उल्ले वो बात करते थे ना, उनका एक था उनके अंदर का वो रेनबो झेब्रा था. तो आज आपको अपना रेनबो झेब्रा निकालना है बाहर. और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, करियर चूज करताना नेहमी स्टार्ट करून टाका. खूप लोक विचार खूप करतात, नेहमी विचार करत असतात, मेरे को ये करने का, मेरे को वो करने का, ऐसा करने का, वैसा करने का है. मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूँ साहब, जितना जल्दी हो सके करियर की शुरुआत कर दो. शेवट से शुरुआत करा, तुम्हारा डॉक्टर व्हायचं ना, डॉक्टर की आत्मा को अंदर लेके आओ और आज से वही बनना चालू करो. आपको इंजीनियर बनना है ना, अपने अंदर इंजीनियरिंग की आत्मा को लेकर आओ. आपको कंप्यूटर में कुछ करना है, आपको यूट्यूब में कुछ करना है, आपको स्पोर्ट्स में कुछ करना है, आपको क्रिकेट में कुछ करना है, उस आत्मा को अंदर लेकर आओ और सीख करो और कर दो साहब. शुरुआत कर दो उसके अंदर वो सारा चीज. अगर कोई सामाजिक कार्य करना चाहते हो, राजनीतिक कार्य करना चाहते हो, उस आत्मा को अपने अंदर लेकर आओ, उस आत्मा को अपने अंदर लेकर आओ और काम शुरुआत कर दो. हे पाच महत्वाचा सिद्धांत होता जे मी तुम्हाला सांगितलं आहे. आणि नेहमी लोक काय करतात जेव्हा ते करिअर चूज करायला जातात तर काय चुकं करतात लोक क्या गलती करते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ वो मार्क्स अपने को बहुत अच्छा होना चाहिए, इन्फ्लुएंस वो हमेशा फ्रेंड को देखकर. हे करू नका. आपका फ्रेंड का काबिलियत अलग है, आपका काबिलियत अलग है. आपको ऊपर वाले ने बनाने के बाद वो साचे को फेंक दिया, याद रखिएगा. आपको जब ऊपर वाला बना रहा था तो जिस साचे में आपको बनाया वो साचे में दूसरा इंसान को नहीं बनाया, आप अकेले थे, आप अपने आप के एक अलग अकेले इंसान हो. और फैंसी और ये जो फिक्टियस जो होते ना उसमें जाने का नहीं जाता, उसमें अटकने का नहीं. जो आप करना चाहते जिसके लिए आपका निर्माण किया है ईश्वर ने उसको आप जानिए. मनी एंड फेम के पीछे भागे मत साहब, वो आएगा आपके पीछे, वो आपके पीछे आएगा. हर काम, आप जो भी काम, जो भी करियर चूज करने वाले हैं वो सारा करियर के अंदर आपको आगे बढ़ने का चांस है. करियर चूज करताना तुम्हाला जे समोर दिसतंय की नेहमी रिसर्च करा. तुम्हाला मरीन इंजिनिअरिंग मध्ये जायचं असेल, सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये जायचं असेल, तुम्हाला मेकॅनिकल मध्ये जायचं असेल, मेडिकल मध्ये जायचं असेल, फार्मसी मध्ये जायचं असेल, रिसर्च करा. त्यानंतर तुम्ही काही लोकांचा इंटरव्ह्यू घ्या. तुम्हाला ज्या फील्ड मध्ये जायचं आहे त्यामध्ये 5 लोकांना कमीत कमी तुम्ही भेटा की सर मला ना मेरको ना ये मुझे इंजिनिअरिंग में जाना है, तो आप बताइए ना इंजिनिअरिंग में क्या इंपॉर्टेंट होता है. मैथ्स मेरा थोड़ा कमजोर है लेकिन मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, मेरा ये चीज यानी काउंसलिंग जिसको कहते हैं आप वो कर सकते हैं. इकीगाई, इकीगाई क्या होता है, जापानीज वर्ड है. अपने आप को जानना, अपने पैशन को फाइंड आउट करना. ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप भूल जाते हो, खाना पीना सब कुछ भूल जाते हो और उस काम में लगे रहते हो. वो चाहे वो पेंटिंग का हो सकता है, चाहे वो आर्ट का हो सकता है, चाहे वो मेहंदी का हो सकता है, चाहे वो यूट्यूब बनाने का हो सकता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो सकता है, चाहे वो कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है साहब. तो अपना खुद का इकीगाई फाइंड आउट कीजिएगा, फीडबैक लीजिएगा. फीडबैक गेम क्या होता है, अपने मम्मी को पूछिए, आई तुला का वाटतं मी कशा मध्ये गेलं पाहिजे. डॅडी वडिलांना विचारा तुम्ही की पप्पा को पूछो की क्या लगता है आपको, मैं किस में मेरे को लगता है कि आपके हिसाब से मैं अच्छा हूँ. अपने गुरु पूछिए, अपने लोगों को पूछिए कि किस में मैं सबसे बेस्ट हूँ. और हर करियर का एक मेरिट होता है, डीमेरिट होता है, याद रखिएगा. हर करियर का एक अच्छा फायदा होता है और एक उसका नुकसान भी होता है, वो आप हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. याद रखिए, ऑप्शन अगर एक ही ऑप्शन आपके पास है ना तो आपके पास ऑप्शन नहीं है साहब.
अगर एक ही ऑप्शन आपके पास है तो इसका मतलब ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपको जाना है। अभी हम चलते हैं कि अतः हम लोग देख रहे हैं कि दसवीं के बाद कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास है। दसवीं के बाद के जो ऑप्शन है उसको आपको फाइंड आउट करना है, दसवीं के बाद के जो ऑप्शन है उसको आपको फाइंड आउट करना है कौन कौन से आते हैं। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है जैसे साइंस। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ साइंस में गेला पाहिजे, कुछ लोग सोचते कॉमर्स में जाना चाहिए, कुछ लोग सोचते आर्ट्स में जाना चाहिए, कुछ लोग सोचते डिप्लोमा में जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर एक एक वन बाय वन आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दिस थिंग कि आर्ट्स का क्या फायदा है, नुकसान क्या है, कॉमर्स का क्या फायदा है, नुकसान क्या है, साइंस का क्या फायदा है, नुकसान क्या है, और डिप्लोमा का क्या फायदा है और नुकसान क्या है। ये सारा चीज यहाँ से आप अभी लेके जाने वाले हैं। तो ये जो बाला साहेब महात्रे जो ग्रुप जो इंस्टीट्यूट है उनकी तरफ से ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया, मैं फिर से उनको धन्यवाद देता हूँ कि आज हमको इतना मौका मिला और इतने बड़े पैमाने पर लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जूम के माध्यम से लोग हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वो अपने इस प्रोग्राम का वो फायदा उठा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो याद रखिए अगर आपके पास एक ऑप्शन है ना तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आपके पास हमेशा बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए। 10th के बाद 2000 लाइंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। मैं वो 2000 नहीं बताऊंगा लेकिन जो 2000 के अंदर मेन जो है, तो जैसे हमारे दिमाग में आता है साइंस, नेहमी लोग पहले का विचार करतात साइंस मध्ये गेलं पाहिजे, काहीतरी अपन साइंस मध्ये जाऊन बीएससी करू शकतात, फार्मेसी घेऊ शकतात, इंजिनिअरिंग घेऊ शकतात, जेव्हा तुम्ही 11वी 12वी साइंस घेतात आणि त्यानंतर उसके बाद आपको बीएससी का ऑप्शन आता है, उसके बाद फार्मेसी का ऑप्शन आता है, उसके बाद आर्किटेक्चर का ऑप्शन आता है, उसके बाद इंजिनियरिंग का ऑप्शन आता है, उसके बाद मेडिकल का आता है, उसके बाद बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है आपके एप्लीकेशन वो आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, एनिमेटर आप बन सकते हैं, आप बहुत कुछ बन सकते हैं। ये सारा साइंस लेने के बाद आता है ऑप्शंस। अब देखेंगे वन बाय वन, बीएससी लेने के बाद 150 अलग अलग कोर्सेस है, स्पेशल कोर्सेस है जिसमें आप जा सकते हैं। 3 साल का कोर्स होता है 11th 12th के बाद से, उसका बीएससी करने के लिए कम से कम आपके पास एसएससी एचएससी होना चाहिए और ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है हमारे देश की वो सब ये कोर्सेस ऑफर करते हैं। ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाता है। कोर्सेज जो है 118 इंजीनियरिंग के बाद आपके पास 118 अलग अलग कोर्सेस आ जाते हैं। अभी तो हर फील्ड का इंजीनियरिंग आ गया, आपको मरीन में जाना है मरीन इंजीनियरिंग आ गया, आपको मेडिकल में जाना है मेडिकल में जाना है, मेडिकल इंजीनियरिंग नाम का एक कोर्सेस आ गया है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल नाम का एक कोर्सेस आ गया है। आप सिर्फ सोचिए माला या एचएस कायतरी करायचे है, अभी 2-2 साल के भी कोर्सेस आ गए, 3 साल के कोर्सेस आ गए, स्पेशल जो इंजीनियरिंग के कोर्सेस है बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया हुआ है। मैंने अभी कुछ दिन पढ़ रहा था एससीएल नाम की जो कंपनी, उन्होंने 2 साल में इंजीनियरिंग का एक स्पेशल कोर्स चालू किया हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर जिनको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, जिनको लगता है कि मला इंजीनियरिंग मध्ये मी काहीतरी करू शकतो, तर त्यामध्ये पण जाऊन ते करू शकतात। हमारे देश का सबसे बड़ा आईआईटी होता है, आईआईटी जो कॉलेज होता है, एनआईटी होता है, बिट्स पिलानी होता है और भी बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस है, लेकिन क्या अगर यहाँ पर अगर एडमिशन नहीं मिला तो क्या लोग पढ़ाई नहीं करते क्या? एपीजे अब्दुल कलाम साहब कौन से बहुत बड़े कॉलेज से थे? नहीं साहब, यहाँ पर आपको एक चीज सोचना है, जो आपको आजू बाजू का जो अच्छा कॉलेज मिलता है आपके आजू बाजू में आप वहां पे ज्वाइंट हो जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पैशन, जब आपका पैशन रहेगा ना तो जिस कॉलेज में आप जाओगे ना वो कॉलेज आईआईटी बन जाएगा। आपका पैशन को फाइंड आउट कीजिए साहब, आपके पैशन को फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि मुझे पता, आई नो यू आर नॉट 100% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, आई नो यू आर नॉट 100% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बट यू आर 100% फ्यूचर ऑफ इंडिया। यहाँ पर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं अलग अलग, 97 लोग यहाँ पर अभी ऑनलाइन है, यूट्यूब पर हमें कई लोग सुन रहे हैं, 1000 लोग यूट्यूब पर सुन रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से सुन रहे हैं, ये सब जो है ना, ये 100% पॉपुलेशन नहीं है साहब इंडिया के, बट दे आर 100% फ्यूचर ऑफ इंडिया। आप में से कोई एक एपीजे अब्दुल कलाम साहब बनेगा, आप में से कोई एक लता दीदी बनेगी, आप में से ही कोई एक कल्पना चावला बनने वाली है, तो आपके अंदर वो सारी खूबियां है, आपके अंदर वो सारी खूबियां, बस आपको सही डायरेक्शन की जरूरत है। और आज हम लोग जो है बाला साहेब महात्रे जो कॉलेज के माध्यम से आज ये प्रोग्राम को रखा गया, उद्देश्य यही है कि आपके अंदर वो ज्योति जले, कैसे मैं अपने करियर को बनाऊंगा। करियर बनाते समय दो चीज होती है साहब, एक होता है जंगल टाइप करियर, एक करियर होता है जंगल जहां पे कोई सर्टन नहीं रहती है, और एक करियर होता है, एक करियर होता है बगीचे टाइप, गार्डन का टाइप। आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, आपके करियर को जंगल मत बनाइए साहब, आपके करियर को बगीचा बनाइए, गार्डन बनाइए, आपके करियर को गार्डन बनाना बहुत जरूरी है। गार्डन का मतलब क्या होता है, हर चीज आप प्लानिंग के हिसाब से करते हैं, लाइफ नॉट बाय डिफॉल्ट, लाइफ बाय डिजाइन। आप अपने करियर को डिजाइनिंग दे सकते हैं साहब। गार्डन में क्या होता है, एक पेड़ के बाद दूसरा पेड़, ग्रीन कलर के बाद हरा पेड़, हरा ग्रीन के बाद येलो कलर का, अलग अलग आप जो चाहिए आप अपने हिसाब से डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप अपने करियर को इसको आप एक डिजाइन दीजिए, एक अलग से आकार दीजिए,
आज आपके सामने मौका है, टेंथ जो है एक मौका है। करियर के साथ मत खेलिए साहब, करियर के साथ खेलेंगे तो पूरा लाइफ अपना स्पॉइल होने लगेगा। आज आपके सामने मौका है, आप जो चाहिए वो बन सकते हैं। इंजीनियरिंग में जाना है, आप इंजीनियरिंग में जाके नया कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आता है फार्मेसी, 10+2 के बाद आपके सामने 19 कोर्स वाला फार्मेसी अवेलेबल है। इसका दो से या तो आप डिप्लोमा में जा सकते हैं या तो आप डिग्री में जा सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए 12 साइंस होना जरूरी है। एंट्रेंस सीटी एग्जाम होता है, एचएससी होता है, एंड टॉप कॉलेजेस जो है आपके सामने अवेलेबल है। मुंबई यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, बिट्स पिलानी है, नीफर है, ये कुछ एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। आर्किटेक्चर जो होता है ये 5 से 6 साल का होता है, इसमें कॉम्बिनेशन है ये इंजीनियरिंग का और डिजाइनिंग का, इंजीनियरिंग का और डिजाइनिंग का कॉम्बिनेशन होता है वी आर्क। यहाँ पर आर्किटेक्चर का कोर्स कर सकते हैं। जब भी कोई नया बिल्डिंग बनता है तो आप देखेंगे आपके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आपको एक आर्किटेक्चर का सिग्नेचर होना जरूरी होता है, उसका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड वो गारंटी देता है, वो सिर्फ खूबसूरती पर ध्यान नहीं देता है, खूबसूरती के साथ आर्किटेक्चर का काम खूबसूरत बिल्डिंग बनाना नहीं है साहब, उसके साथ उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अंदर से स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए साहब। तो ये 5 साल का कोर्स होता है, एंट्रेंस एग्जाम JEE मेन होता है, नाटा का एग्जाम देना पड़ता है। अगेन आपका इसमें ड्राइंग बहुत अच्छा होना चाहिए अगर एलिमेंट्री है, और नहीं है तो आप सीख सकते साहब, इसका कोई ये नहीं है। AMU EEE का एग्जाम देना होता है, ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। टॉप कॉलेजेस जो IIT खड़गपुर है, IIT रुड़की है, JJ कॉलेज में होता है, बिट्स पिलानी के अंदर होता है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज में ये कोर्सेस पढ़ाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज द कॉमर्स। पहला हमने देख लिया साइंस, साइंस के अंदर इतने सारे ऑप्शन होते हैं, BSc होता है, इंजीनियरिंग होता है, मेडिकल होता है। अब आता है कॉमर्स के ऊपर, कॉमर्स क्या होता है। हर याद रखिएगा, हर कंपनी के अंदर एक CA होना जरूरी होता है, एक CS होना जरूरी होता है। मेरी 8 कंपनी चल रही है, हमारी 8 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने स्टैब्लिश किया हुआ है, उसके अंदर हमने एक CA और एक CS को अपॉइंट करके रखा, जो फ्रीलांसर में हमारी कंपनी का पूरा अकाउंट देखते हैं। तो याद रखिए, जब भी कोई आदमी बिजनेस शुरू करता है तो उसके लिए कॉमर्स का एक आदमी होना जरूरी है, इसलिए इसका डिमांड है, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन ये सब किसके लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। जहां पर पैसे की बात आती है वहां पर आपका कॉमर्स का ज्ञान होना जरूरी है। आफ्टर चूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन बिकम ए बीकॉम ग्रेजुएट। आप ग्रेजुएट बीकॉम बन सकते हैं, आप CA बन सकते हैं। हमारे देश का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, लेकिन सबसे रिस्पेक्टेड माना जाता है वो एग्जाम CA होता है, CS होता है, CMA होता है, BMS होता है, BBI, BFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, BBM बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, BWOC है, देन अदर सर्टिफाइड कोर्सेज भी आ गए हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज आपके पास आ जाते हैं। नेक्स्ट इज द बीकॉम। बीकॉम के अंदर क्या, ये ट्रेडिशनल, अगर आपको सिर्फ ग्रेजुएट करना है, आपको ग्रेजुएट करके क्लर्क बनना है किसी कंपनी के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। पैसे का हिसाब किताब आप कर सकते हैं आराम से। 3 साल का कोर्स होता है, प्लेन BA होता है, प्लेन बीकॉम होता है, एंट्रेंस जो है SSC का होता है। आपके आजू बाजू में किसी भी कॉलेज में आप ये एडमिशन ले सकते हैं। बाड़ा साहेब महात्रे इंस्टीट्यूट के अंदर ये सारी फैसिलिटी दी गई, बहुत सारे कोर्सेस आपको यहीं पर मिल जाएंगे, मैं बताऊंगा लास्ट में, इसलिए आपको लास्ट तक बने रहना है, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आने वाले हैं, तो आपको आखिरी तक बने रहना है। चलिए हम लोग एक छोटा सा गेम खेलते हैं यहाँ पर, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये कोरोना ने हमारे साथ क्या किया है, एक छोटा, अगर मैं चाहता हूं अगर वीडियो आप लोग ऑन कर सकते हैं, जितने लोग हैं अगर आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, 99 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोग वीडियो ऑन करने वाले, एक छोटा सा हम लोग एक्सरसाइज करने वाले, छोटा सा एक्सरसाइज कि कोरोना ने हमारे साथ क्या किया है, कोरोना ने हमारे साथ क्या किया, कोरोना ने, वीडियो ऑन करेंगे सभी लोग, वीडियो ऑन करेंगे। शरद सर बहुत बहुत धन्यवाद, शरद महाजन जी है, शेख आलिया जी है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाल कैसा भी होने दीजिए, बैकग्राउंड कैसा भी होने दीजिए, गणेश जी कोई बात नहीं, बाल जैसा है बहुत अच्छा है, आपके पास है, मेरे पास तो है भी नहीं, तो जैसा भी है आप लोग को वैसे ही रहना है। आपको क्या करना है, आपको पेन पकड़ना है और डायरी के अंदर, हाँ पेन पकड़ना है, डायरी के अंदर आपको लिखना है, आपका नाम लिखना है, आपको क्या करना है, आवाज नहीं क्लियर आ रहा है, हेलो क्या फिर नहीं, डायरी लेके आपको पेन में लिखना है, डायरी लेके आपको पेन में लिखना है, अपना नाम लिखना है, बस सिंपल है। हाँ मैं 1 2 3 बोलूंगा, 3 बोलने के बाद आपको अपना नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है, लिखेंगे सब लोग, हाँ आपको सिर्फ मैं 1 2 3 बोलूंगा और 1 से लेके 3 के अंदर आपको लिखना है, 1 अभी लिखना नहीं है साहब, सिर्फ पेन पकड़ के सब लोग हाथ मुझे दिखाएंगे, पेन दिखाएंगे, सत्यम जी मुझे पेन दिखाइए, आप लोग पेन दिखाइए, शेख आलिया जी पेन दिखाएंगे,
प्रियांशु जी पेन दिखाएंगे आप लोग मुझे, हाँ सभी लोग पेन दिखाइए, सभी लोग पेन दिखाएंगे, सेजल जी पेन दिखाइए, हाँ चलिए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मैं बोलूंगा 1 2 3, तो आपको क्या करना है, अपने पेन से आपको नाम लिखना है, बस सिंपल है, इतना ही काम करना है। अच्छा इतना एक्सरसाइज सिंपल है ना, तो चलो करेंगे। सर अपना नाम लिखना है। सर आप म्यूट हैं। ओके, तो आपको आपका ही नाम लिखना है, मेरा नाम नहीं लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, सिर्फ पूरा नाम लिखना है आपको। हाँ जैसे मेरा नाम है दिनेश गुप्ता, तो आपको लिखना है दिनेश गुप्ता या जो भी आपका नाम रहेगा वो लिखना है। चलिए पेन हम पकड़े, हमने तीन बोलने पर लिखना है, अभी नहीं लिखना है। हाँ यामिनी जी एकदम परफेक्ट, सही कैमरा आपने लगाया हुआ है। 1 2, हाँ थोड़ा रुक जाएंगे। अब पेन का ना जो अपना हाथ है चेंज कर दीजिए, हाथ चेंज कर दीजिए, अब उल्टे हाथ में पेन पकड़ेंगे, उल्टे हाथ में पेन पकड़ेंगे, हाँ उल्टे हाथ में सब लोग पेन पकड़ेंगे, जो हाथ से लिखते थे उस हाथ से अभी चेंज कर देना पेन को। तपस्वी जी पेन को चेंज कर दीजिए, वेरी गुड। हाँ अब मैं 3 बोलूंगा तो अपना नाम लिखना है। 3 स्टार्ट, अपना नाम लिखिए जल्दी से। स्टॉप, रुक जाइए, अभी कोई लिखेगा नहीं, कोई भी नहीं लिखने वाला है। हाँ ये यामिनी जी ने थोड़ा सा लिखने का ट्राई किया है बट सही नहीं हुआ है। सेजल जी आपने लिखा, बताइए जरा, वीडियो दिखाइए। सर किधर लिखने का है? हाँ डायरी में लिखने का, और किधर लिखने का, डायरी में लिखेंगे ना। नहीं लिखा आपने, चलो कोई बात नहीं। अब ये एक्सरसाइज ने हमें बहुत बड़ा लेसन दिया जो हमारे साथ हुआ कोरोना में। हम सब ने 2020 की तैयारी की थी, हमने सबने करियर के बारे में सोचा था, लेकिन क्या होता है हम लोग करते कुछ और है, तैयारी कुछ और करते हैं, लेकिन हमारे साथ लाइफ कुछ और सिखा देती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। करियर बनाने यानी क्या, आपके साथ जो कुछ होता है ना उसका बेच दीजिए साहब। हो सकता है इसमें से कुछ लोग कंडक्टर बन जाएंगे, हो सकता है इसमें से कुछ लोग कंपाउंडर बन जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं साहब, उसमें अपन बेस्ट बनने का। जब मैं आईटीआई में पढ़ाई कर रहा था तो हमारे इधर एक सर आया, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा हम सब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम सब एक काम जरूर कर सकते हैं, हम अपने फील्ड के डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। किसने तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूजा देख लीजिएगा, हम सब अपने फील्ड के डॉक्टर इंजीनियर, पूरा चेहरा का जो बैक कर, हाँ सब अपने फील्ड के, ये पूजा देख लीजिएगा, तो हम सब अपने फील्ड के ना डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। किसने हमें रोका है, किसने भी नहीं रोका है। हम जो चाहिए वो बन सकते हैं, जो चाहे वो हम कर सकते हैं साहब। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, जो 5 नियम आपको बताए गए थे वो 5 नियम याद रखना। अपने करियर की शुरुआत जल्दी से कर दो, अपने करियर की शुरुआत जितना जल्दी हो सके कर लो, अपने आप को जान लो, फिर करियर की चॉइस करो। आपको करना क्या है, मैं आपको बेस्ट करियर का ऑप्शन लास्ट में देने वाला हूं कि आप ये फील्ड में जा सकते हैं। आपको मैं इनवाइट करूंगा, जहां जिस प्लेटफॉर्म से मैं अभी बात कर रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म पे मैं सबको इनवाइट कर रहा हूं काउंसलिंग के लिए। आप आइए काउंसलिंग कीजिए, फ्री में काउंसलिंग कीजिए साहब। यहां पर आइए, बोलिए मेरे को इस फील्ड में जाना है, मला हे करायचं ते करायचं, तुम्ही येऊन भेटा इथे। आप आएंगे तो डेफिनेटली आप एक कदम बढ़ाएंगे, हमारा कॉलेज आपके लिए 10 कदम आगे बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, एक प्लेन बीकॉम करने के लिए आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। आप सीए बन सकते हैं साहब, नहीं मला तो क्या टक्के कमी आले, कोई हरकत नहीं साहब, कोई बात नहीं है, टक्के कमी आले तरी साले। 46% वाले लोगों ने भी सीए को पास किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं जानता हूं दिनेश सिंह को, कल्याण में जोशीबाग में रहने वाले पिताजी जो है रेलवे में टीसी, उनका लड़का 46% लेकर 11th 12th पास किया और उसके बाद वो लड़का सीए बन गया है। आज वो दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी है लॉयन स्टील, वहां पर वो काम कर रहा है। तो याद रखिए आप कर सकते हैं, आपके अंदर आपको आत्मविश्वास लेके आना है। तो कोरोना हमारे साथ ना रोज कुछ खेल करने वाला है। आप सोचेंगे मेरे को ये बनना है, लेकिन आप बन जाओगे ये, लेकिन आपको जब आप अंदर से मजबूत बनोगे ना, एवरीथिंग इज माइंडसेट। टीचर ने पूछा बताओ सबसे स्ट्रांग आदमी कौन होता है, एक बच्चे ने बताया जिसका माइंडसेट स्ट्रांग होता है ना वो कुछ भी कर सकता है। इसका माइंडसेट होना चाहिए आपका, अगर माइंडसेट हो गया ना आज मला हे करायचं बस, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती साहब। आपको अगर इंजीनियर बनना है कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, पूरी मिलिट्री फोर्स लग जाएगी, लेकिन आप कर लोगे। और हुआ है इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है साहब। मैं खुद आईटीआई में जब पढ़ाई करता था तो मुझे नहीं लगा कि मैं कभी डिप्लोमा करूंगा, कभी मैं ग्रेजुएट करूंगा, कभी आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करूंगा, मुझे नहीं पता था साहब। लेकिन एक विश्वास था अंदर, एक आत्मविश्वास रहना चाहिए, तो आप ये सीए का एग्जाम भी आप पास कर सकते हैं अगर आपके अंदर सीए का। सीएस क्या होता है, हर कंपनी के अंदर एक सीएस होता है। जब कंपनी
बनती है, जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है, दैट टाइम वी रिक्वायर्ड सीएस, कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है। और ये क्या करता है, ये लोग इनके एक एग्जाम चलते हैं, ये आपको साल में 4 बार एग्जाम आप दे सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। ये ग्रेजुएशन करते करते भी आप कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन भी आप कर सकते हैं, सीएस फाउंडेशन भी आप कर सकते हैं, ये दोनों का दोनों एग्जाम आप दे सकते हैं। हमारे भारत की इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये लोग है एग्जाम लेते हैं, साल में 4 एग्जाम होते हैं, आपको क्रॉस करना पड़ता है, क्रैक करना पड़ता है। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये हर कंपनी में एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है, कोई भी कंपनी होने दीजिए, छोटा सा टपरी भी होता ना उसको भी एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। सही कह रहा हूं, तो सोचिए बड़ी बड़ी कंपनी में कितने सारे अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो ये एक बहुत जबरदस्त कोर्स होता है, ये अगर जिनको मैथ्स जिनका बहुत अच्छा है, जिनका कैलकुलेशन अच्छा है, जिनको पैसे के बारे में हिसाब रखना बहुत पसंद है, तो ऐसे लोगों ने ये लाइन लेना चाहिए। अपने आप को पहले एनालाइज कीजिए। अदर सर्टिफाइड कोर्सेज भी आ गए हैं हर्षद मेहता के बाद, तो आप देखेंगे शेयर मार्केट में तो एक नया भूचाल ही आ गया है। तो स्टॉक मार्केट का ऑपरेशन कैसे होता है वो कोर्सेज है, कस्टमर रिसोर्स मैनेजमेंट, आप देखेंगे बहुत सारे ना रिटेल मैनेजमेंट के कोर्सेज आ गए हैं कॉमर्स के बाद, जैसे डी मार्ट है, सी मार्ट है, पटेल लो प्राइस है, बहुत सारे बिग बाजार है, ऐसे अलग अलग जगह पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। रिलायंस ने जो अभी चालू किया है, रिलायंस पॉइंट सेंटर पॉइंट, रिलायंस जो है ना पॉइंट रिफ्रेश पॉइंट है, तो ऐसे जगह भी आप रिटेलिंग मैनेजमेंट करने के बाद लास्ट का जो ऑप्शन है सेल्स मैनेजमेंट एंड रिटेलिंग ट्रेनिंग का भी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्ट्स, हमारे देश की विटमना रही कि आर्ट्स ना, आर्ट्स म्हणजे कसं आहे का, जे कोणाला ऍडमिशन मिळत नाही ते लोक जनरली आर्ट्स मध्ये जातात। मी तुम्हाला एक सांगू, मला असं वाटतं की ते सांगायला पाहिजे, जेव्हा मी आयटीआयमध्ये आयटीआयचा जेव्हा माझा कोर्स चालू होता, तेव्हा मी रात्री शाळेमध्ये जाऊन 11वी आणि 12वी आणि बॉम्बे युनिव्हर्सिटी मधून करस्पॉन्डेंस, मी आर्ट्सच्या माध्यमातून माझा हिस्ट्री मध्ये मी आपलं बीए पूर्ण केलेलं आहे। तर आप ये भी कर सकते साहब, इससे क्या होगा, जब आप ये लेंगे, अगर आपको अभी से पसंद है, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, मुझे लोगों से बात करना पसंद है, मुझे राजनीति में जाना है, तो ऐसे लोगों ने तो आज ही से, जिसको आईएएस ऑफिसर बनना है, जिसको एमपीएससी यूपीएससी क्रैक करना है, तो मैं आज ही से बोलता हूँ, जिसको आईपीएस बनना है, पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है, भारत सरकार की सेवा करना है, तो मैं आज ही से बोलता हूँ ये लाइन आज बंद करके आप चले जाइए। आप बीए प्लेन बीए कर सकते हैं, स्पेशल सब्जेक्ट लेके कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड लॉ जो लॉ कोर्सेज कर सकते हैं। हर कंपनी में जैसे सीएस की जरूरत पड़ती है, सीए की जरूरत पड़ती है, वैसे हर कंपनी के अंदर एक लॉयर होना चाहिए। अभी हमने 2 लॉयर को रखा हुआ है, क्योंकि हमारा रोज कुछ ना कुछ होते रहता है, अरे ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सर्टिफिकेशन का ये प्रॉब्लम है, तो हमें लॉयर की जरूरत पड़ती है। आप याद रखिए, हर कंपनी के अंदर जैसे अकाउंटेंट की जरूरत होती ना, वैसे लॉयर की भी जरूरत पड़ती है, तो ये भी चीज कर सकते हैं। बिजनेस बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में जा सकते हैं आप, अगर आपको ड्रॉइंग बनाने में मजा आता है, फाइन आर्ट्स बनाने में मजा आता है, लोगों का चेहरा बनाने में मजा आता है आपको, तो आप फाइन आर्ट्स में जा सकते हैं, बीबीए में जा सकते हैं। अभी आप पैसे के बारे में मत सोचिए साहब, अभी आप अपने पैशन के बारे में सोचिए। जब आपका पैशन स्ट्रांग बन जाएगा ना, तो लोग अपने आप पैसे देने लगेंगे। मैं जानता हूं डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ले को, बहुत बड़े वो चाणक्य के बहुत बड़े जानकार है, चाणक्य के ऊपर उन्होंने स्टडी किया हुआ है। मैं जानता हूं नामदेव जाधव साहब को, प्रोफेसर नामदेव जाधव, जिन्होंने शिवाजी महाराज पे कितना सारा स्टडी करके किताब लिखा हुआ है, और वो हमारे यही इंस्टीट्यूट के वो स्टूडेंट है, डॉक्टर प्राध्यापक नामदेव जाधव, उन्होंने इतिहास का स्टडी करके उन्होंने अपना नाम कमाया हुआ है इसी आर्ट्स के अंदर। आप बीएफडी में जा सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट के अंदर जा सकते हैं, आप फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं आर्ट्स के बाद। एक बीए करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 11-12 करना है, और उसके बाद 3 साल का एक कोर्स होता है, लेकिन उस 3 साल के अंदर आपको चॉइस करना पड़ता है कि आप स्पेशलाइजेशन किस में लेना चाहते हो। आप इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हो, हिस्ट्री में जाना चाहते हो, एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो, अपनी संस्कृति कल्चरल इंडियन कल्चरल में जाना चाहते हो, आप सोशल साइंस में जाना चाहते हो, आपको जाना किस में सामना है, मुझे एक बताएंगे। मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आपके बाजू में जो रोड है, आपके बाजू का जो रोड है किधर जाता है, आपके बाजू में चैट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे, आपके बाजू में एक रोड जा रहा है, आप जहां पे रहते हैं ना, आपके बाजू में कोई तो भी एक रोड होगा, वो रोड किधर जाता है, चलिए देखो चैट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे, चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग लिख सकते हैं कि आपके बाजू का जो रोड है वो कहां पर जाता है, सभी लोग लिखेंगे आपके बाजू में जो रोड है, किसी ने लिखा स्टेशन में जाता है, किसी ने लिखा ये रास्ता कभी खत्म ही नहीं होता है, वेरी गुड रोशनी बाविस्कर, थैंक यू वेरी मच, यू आर गिविंग 100% पार्टी, यू आर डूइंग 100% पार्टिसिपेशन, आपका हाईवे पर जाता है, जिथे आपका जैसे है तिथे, गीता जी बता रहे, कृष्णम जी बता रहे, हाईवे तक जाता है, कभी खत्म नहीं होता है, सन्नी मौर्या जी बता रहे हैं कि कभी खत्म नहीं होता है, हीरा नंदानी में जाता है, शिवान्या गौतम जी बता रहे हैं कि ये हीरा नंदानी में जाता है,
चलिए बहुत अच्छा, आपने और भी अगर किसी के दिमाग में और भी कोई आ रहा है, हाँ मंजिल पर जाता है, मानसी पाटिल जी बता रही है एक मंजिल पर जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यही रोड पकड़कर मैं कभी इथोपिया गया था, यही रोड पकड़कर कभी मैं मॉरिशस गया था, यही रोड पकड़कर कभी मैं ओमान, ज़ंज़ीबार, तांजानिया, जीबीटी, साउथ अफ्रीका, पता नहीं ऐसे 15 अलग अलग देशों में यही रोड पकड़ के गया था, सिर्फ मीडियम चेंज हो गया था, कहीं पर जाके एयरपोर्ट तक जाता था और उसके बाद मुझे दूसरा फ्लाइट पकड़ना पड़ता था, उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता था, फिर उसके बाद चेंज करना पड़ता था। सिर्फ आपको पता होना चाहिए मेरा मंजिल किधर है, जैसे किसी ने यहाँ पर ऑलरेडी बताया था, जिधर किसी ने लिखा था कि मुझे यहां पर जाना है, तो याद रखिए दुनिया का कोई भी ऐसा रोड नहीं है जो आपको अपनी मंजिल पर पहुंचाए। आप किधर भी रहने दो साहब, अगर आपने सोच लिया ना मुझे हॉस्पिटल में डीन बनना है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे जेलर बनना है तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, आपको जेलर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आपने बोल दिया मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, फिर कोई नहीं रोक सकता है साहब, कोई नहीं रोक सकता है। एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूं यहां पर, बहुत जबरदस्त कहानी है, ये कहानी अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो सभी लोग वन लिखेंगे, बहुत या सभी लोग वन लिखेंगे, ये कहानी आप वन लिखेंगे, सत्यम जी सिर्फ लिखिए वन, लिखिए चैट बॉक्स में वन लिख दीजिएगा। ये कहानी ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला है और आज करियर के माध्यम से ये कहानी आपके पास आ रही है और आप लोगों को आखिरी तक, जब तक आप इस पृथ्वी पे रह रहे हैं ना, जब तक आप इस पृथ्वी पे रह रहे हैं तब तक इस कहानी को याद रखेंगे, तब तक इस कहानी को याद रखेंगे। कहानी क्या कहती है, कहानी कहती है एक बलून सेलर की। एक बलून सेलर था, उसके पास अलग अलग रंग के बलून थे, उसके पास नीला रंग का बलून था, उसके पास पीला रंग का बलून था, उसके पास ग्रीन कलर का बलून था, उसके पास रेड कलर का बलून था, नीला पीला रेड येलो कलर के उसके पास बलून थे। वो क्या करता था, रोज इसी तरह से बलून में हवा भरता था, धागे से बांधता था और किसी तो रोड पर जाता था, रोड पर जाकर क्या करता था, उसको बेचता था, उसको ऊपर फेंकता था बलून को, नीचे खींचता था, ऊपर फेंकता था, नीचे खींचता था, और इसी तरह से उसकी जिंदगी चल रही थी, आराम से जिंदगी चल रही थी साहब। और एक दिन एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है और बोलता है कि काका मला एक प्रश्न विचारा है, मला बलून नहीं पाहिजे, मेरे को बलून नहीं चाहिए साहब, मेरे को सिर्फ एक सवाल पूछने का है, मला फक्त एकच प्रश्न विचारायचा है, निळ्या रंगाचा बलून वरती जातो, हिरवा रंगाचा बलून वरती जातो, येलो रंगाचा बलून, पीला कलर का जो बलून है वो ऊपर जाता है, आणि लाल रंगाचा बलून वरती जातो, लाल रंगाचा फुगा वरती जातो, समजा समझो अगर हमने काले रंग का बलून लिया तो आसमान में जाएगा क्या, अगर हमने काले रंग का बलून लिया तो आसमान में जाएगा क्या। और वो समझ गया बलून सेलर, उस बलून सेलर ने उसे देखा, उस बच्चे को, वो बच्चा बहुत गरीब तबके का लग रहा था, बाल बिखरे हुए थे साहब उसके, कपड़े फटे हुए थे, चप्पल नहीं था, पैरों में चप्पल नहीं पहने थे, पूरा धूल लगा हुआ था, पूरे धूल से भरा पड़ा था। और वो समझ गया कि ये सवाल जो है, ये सवाल केवल बलून का नहीं है साहब, ये सवाल था हमारे समाज की मान्यताओं का। हम लोग को लगता है केवल यही लोग आगे जा सकते हैं, हमको लगता है केवल ऐसे ही लोग आगे जा सकते हैं, ऐसे ही लोग ये कुछ कर सकते हैं, बदलापुर में रहने वाला, यहाँ पे रहने वाला, वहां पे रहने वाला, ये भाषा में बात करने वाला, वो भाषा में बात करने वाला, सत्यम भाई हमें क्या लगता है ऐसा कभी नहीं होता है। और उसने कहा, बलून सेलर ने कहा, माई डियर चाइल्ड इज नॉट कलर ऑफ बलून, माई डियर चाइल्ड इज नॉट कलर ऑफ बलून, इट्स व्हाट्स इनसाइड इट दैट मेक इट गोज अप, माई डियर चाइल्ड इज नॉट कलर ऑफ बलून, बलून जो होता है आसमान में उसके रंग के वजह से नहीं, उसके आकार के वजह से नहीं, उसके डिजाइन की वजह से नहीं जाता आगे, वो किस राज्य का है, किस भाषा का है, उसे कुछ लेना देना नहीं है साहब, ये दो कान के बीच में क्या लेकर घूम रहा है। विशाल गुप्ता जी, ये कान के बीच में लेकर हम क्या लेकर घूम रहे हैं, हमारे दिमाग में हम क्या लेकर घूम रहे हैं, यही बलून हमको आगे लेकर जाता है, यही सोच हमको आगे लेके जाती है। आपके पिताजी क्या करते कोई महत्वपूर्ण नहीं है साहब, आपके रिश्तेदार क्या करते हैं, घर वाले क्या करते हैं, आप लड़की है लड़का है कोई लेना देना नहीं है साहब, आपको बाल है नहीं है कोई लेना देना नहीं है, हाथ है नहीं है कोई लेना देना नहीं है। आपके पास अगर कुछ नहीं है ना तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक नियम है शतरंज का, एक नियम है शतरंज का, एक बहुत जबरदस्त नियम है शतरंज, क्या कहता है आप देखेंगे ना, शतरंज में पीछे सब बड़े बड़े लोग रहते हैं, सब बड़े बड़े लोग रहते हैं, राजा का बेटा राजा, फिर उसके पीछे जो वजीर होता है वजीर का बेटा वजीर होता है, हाथी का बेटा हाथी, ऊंट का बेटा ऊंट होता है, घोड़े का बेटा घोड़ा होता है, पीछे सब बड़े बड़े लोग होते हैं और आगे सब छोटे छोटे, वो पार्क साइड में रहने वाले, शिवनेरी में रहने वाले, वो बदलापुर में रहने वाले, सब छोटे छोटे साधारण लोग रहते हैं, साधारण लोग रहते हैं। लेकिन एक नियम बहुत जबरदस्त है साहब, और ये नियम आज आपको बदलने वाला है। नियम क्या कहता है, नियम कहता है, नियम कहता है अगर 6 साल तक, 6 खाने तक अगर उसने अपने आप को संभाल दिया जो छोटे से प्यादे ने, वो राजा बन जाता है। आप जो भी करियर बनाने वाले हो, आप जो भी करियर बनाने वाले हो, छोड़ना मत साहब बीच में, इसको होगा बहुत तकलीफें होगी आपको, बहुत कुछ होगा,
करियर छोड़ना मत सा। 6 साल तक अगर आपने संभाल लिया ना, 2 साल 11वीं और 12वीं और उसके बाद 3 साल का जो या डिप्लोमा आप करने वाले हैं, तो डिप्लोमा जो आप करोगे 3 साल का तो छोड़ना मत। नहीं मला अंग्रेजी इतना है, कोई बात नहीं साहब, सीख सकते हैं। 15 दिन में लोगों ने अंग्रेजी बोलने को सीखा है, 15 दिन में अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं साहब। बहुत सारे ऐप्स आ गए, टेक्नोलॉजी आ गए हैं, कुछ भी नहीं है। 12 टेंस याद कर लीजिएगा और 16 ऑक्सिलरी वर्ब याद कर देना, बस ऑक्सिलरी वर्ब और 12 टेंस याद कर लो, अंग्रेजी हो जाएगा। नहीं मला मैथ समझत ना, अरे क्या है, फार्मूला याद करके रख लो ना, फार्मूला याद करके, नहीं मला ना ऐसा है तसा है, ये सब बहाने है साहब, सब बहाने, बहाने बहाने मत बनाए। जीतने का हजार हजार बहाना ढूंढो, जीतने का बहाना ढूंढो, हारने का नहीं। एक बहुत अच्छा ऐड आता है वो, अगर सिर्फ अगर खाज हो ना तो सिर्फ सफलता की होनी चाहिए। पंकज मिश्रा क्या ना, पंकज शुक्ला है ना वो, जो एक बहुत बड़ा एक्टर है, वो हमेशा कहता है अगर आपको खुजली है ना तो सफलता की होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त ऐड आता है। तो बीए आप कर रहे हैं, आप जाइए बीए के अंदर भी जा सकते हैं, आप बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में जा सकते हैं। मेरे भाई ने कोर्स किया हुआ है और एक बहुत केंद्रीय विद्यालय में वो टीचर बन गया है, कॉमर्शियल आर्ट्स चलता है, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेस। आप चाहे तो ये डायरेक्ट एचएससी के बाद, 12th के बाद इंटीग्रेटेड, यानी आप LLB बैचलर भी कर सकते हैं और LLM भी कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 5 साल का, तो ये भी आप कर सकते हैं। वकील बन के आप बाहर आते, याद रखिए जितने लोग पब्लिक आ रहे हैं ना उतने ज्यादा वकील की जरूरत पड़ रही है। हर कंपनी के अंदर, हर इंस्टीट्यूट के अंदर हमेशा हमें लीगलाइजेशन वर्क करना पड़ता है और ऐसे समय एक अच्छा वकील की लोगों को जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी बनो सबसे बेस्ट बनो। प्लम्बर बनेंगे ना साहब तो भी बेस्ट प्लम्बर बनने का, अपने एरिया का, बदलापुर का, विक्रोली का, ठाणे का, महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट प्लम्बर बनने का, ऐसा साधारण नहीं बनने का। यानी गूगल आपको बोलना चाहिए ये जो पर्सन है XYZ ये अपने एरिया का सबसे बेस्ट प्लम्बर है, इससे अच्छा प्लम्बर है ही नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो प्लम्बर भी बनने का ना, कंडक्टर भी बनने का ना, तो रजनीकांत के जैसा कंडक्टर बनने का, रजनीकांत के जैसा यानी एकदम पूरा फुल स्टाइलिश भाई के जैसा काम करने का। तो इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेस आप कर सकते हैं। जिनको बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पत्रकारिता में बहुत मजा आता है, पत्रकारिता में म्हणजे त्यांना असं काहीतरी वाचन करायला काहीतरी बोलायला त्यांना आवडतं, तर असं नाही। BJM बॅचलर ऑफ जर्नलिझम की ये मास कम्युनिकेशन का एक कोर्स होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ ये मुंबई युनिव्हर्सिटी भी चलाती है, प्राइवेट भी चलते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भी ये कोर्सेस चलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कोर्सेस पढ़ाते हैं, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो क्या करना है, देखिए जो भी आप बनने वाले हो ना आज ही से वो आत्मा को बुला लो। अगर आपको जर्नलिज्म का काम करना है आज से एक पैराग्राफ लिखना चालू करो, अपने आप को बोलो मैं कशावरती लिखूं, हाँ मैं कोरोना वरती लिखूंगा, हाँ कोरोना पे लिखिए और एक यूट्यूब बना के डाल दीजिए, शुरू कीजिए ना, शुरुआत करने में क्या जाता है। अब इसके बाद आता है BHM होटल एंड बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का होता है। अगर आपको सेवा करने को अच्छा लगता है, देखिए रोटी कपड़ा और मकान ये हमेशा बेसिक नीड रहने वाला है। आप इसमें डिप्लोमा कर सकते हैं, आप इसके अंदर बैचलर कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट के अंदर। बहुत सारे होटल्स है, बहुत सारे कंट्री जो है, गोवा स्टेट है या मॉरिशियस कंट्री है, जब मैं मॉरिशियस में था तो मैंने देखा वहां पे कुछ कंपनी नहीं है साहब, लेकिन वो पूरा का पूरा कंट्री सिर्फ एक ही व्यवसाय के ऊपर आ गया है, वो है होटल इंडस्ट्री। तो सिर्फ होटल इंडस्ट्री के ऊपर भी एक देश टॉप का देश बन सकता है। अगर आपके अंदर लोगों को सेवा करना अच्छा लगता है, लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता है, तो मैं बोलूंगा आंख बंद करके आप इस फील्ड में आप जा सकते हैं। नाउ द डिप्लोमा, दिस ऑप्शन आर अवेलेबल, ये बहुत सारे ऑप्शन है आफ्टर 10th। आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, जैसे बाला साहब महात्रे जो एक पॉलिटेक्निक है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बदलापुर के अंदर कॉलेज है, इनके टोटल 80 कॉलेज है, 80 टोटल अलग अलग जगह यूनिट चलते हैं, 66 का तो मैम ने भी नाम बताया था, लेकिन जो मेरे जानकारी में जो है टोटल 80 अलग अलग यूनिट पूरे देश में कार्य कर रही है। एक छोटी सी शुरुआत हुई थी, बड़ा साहब महात्रे साहब एक बात हमेशा कहते थे कि हमको कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं है साहब, हमारा क्या कॉलेज शाया नहीं बनवाई से, हमारा कॉलेज बनाने का ही नहीं, हमको तो कॉलेज बनाना ही नहीं साहब, हमको तो बेस्ट कॉलेज बनाना है, हमें बेस्ट सर्विस देना है। आप देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से यूनिट चलते हैं, कुछ ही आपके सामने नाम आ रहा है सामने, आप देखेंगे इनका एक साइंस का कॉलेज जो चल रहा है, एक आप देखेंगे यहाँ पर बाला साहेब महात्रे पॉलिटेक्निक चल रहा है बदलापुर के अंदर, बाला साहेब महात्रे जूनियर कॉलेज जो है हेंद्रेपाड़े के अंदर, बहुत फेमस एरिया है बदलापुर के अंदर, बाला साहेब महात्रे कॉलेज ऑफ साइंस चल रहा है, पुष्पलता महात्रे वुमेन्स कॉलेज जो है ये यहाँ पर चल रहा है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह पे विक्रोली में और बॉम्बे में अलग अलग जगह पर इनके कॉलेजेस चल रहे हैं। तो कहीं पर भी किसी भी सेंटर में जाके आप अपना काउंसलिंग करा सकते हैं, आप मिल सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं आपको मिलना चाहिए तो फिर शेड्यूल बना के मैं भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाऊंगा, लेकिन आपको सोचना है कि करना क्या है। 10वीं नंतर तुम्हारा समझा डायरेक्ट डिप्लोमा इंजिनियर व्हायचं असेल तर 3 वर्षाचा डिप्लोमा असतो,
बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंडर में ये डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं। डिप्लोमा इन जर्नलिज्म में जा सकते हैं, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी में आप जा सकते हैं, लेकिन अगेन इसके लिए आपको फिर वो ट्वेल्थ की जरूरत पड़ती है। डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी में, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइनर में जा सकते हैं। एक आजकल एक नया बिजनेस मार्केट में आया, वो है इवेंट। लोग बर्थडे भी करते ना तो एक इवेंट मैनेजर को बुला के करते हैं। इवेंट मैनेजर होता ना, अगर आपने फिल्म देखी होगी बैंड बाजा बारात, उसके अंदर वो हीरो हीरोइन रहते हैं, वो इवेंट मैनेजर रहते हैं। तो ये भी एक नया बिजनेस आया हुआ और ये बहुत जल्दी कोर्सेज यहाँ पर भी आपके बदलापुर में भी शुरू हो जाएगा। तो ये आपको एक छोटा सा दिखाया जा रहा है कि डिप्लोमा के अंदर का एक कॉलेज जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, बीएमपी के यूनिट का है। सो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एक्चुअली होता क्या है? थ्रू द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द कैंडिडेट्स कैन गो फॉर द स्पेसिफिक स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग। जैसे आप कंप्यूटर में जा सकते हैं, आप सिविल में जा सकते हैं, आप मैकेनिकल में जा सकते हैं, अलग अलग जो ये कोर इंडस्ट्री, ये कोर है, ये फैंसी टाइप के कोर्सेस नहीं है साहब, ये कोर है। इलेक्ट्रिकल कोर है, कंप्यूटर कोर है, मैकेनिकल कोर है, सिविल कोर है, ये कोर सब्जेक्ट है साहब, ये कोर है। इसके बिना बाकी का हो ही नहीं सकता कुछ। अगर इलेक्ट्रिकल नहीं रहेगा, मैकेनिकल नहीं रहेगा, सिविल नहीं रहेगा तो क्या काम करेंगे? तो ये कोर इंडस्ट्री, ये कोर ब्रांचेस है इंजीनियरिंग के। तो कोर्स ड्यूरेशन जो है 3 साल का होता है, एंट्रेंस एसएससी का आप दे सकते हैं, एचएससी के बाद भी आप जा सकते हैं, लेकिन जब आपको पता है मुझे जाना है तो अभी आप डिसीजन ले सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स द कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर वेरियस करियर अपॉर्चुनिटी एंड जॉब प्रोस्पेक्ट्स। अब डिप्लोमा बेसिक पर भी आप नौकरी कर सकते हैं, 18 साल अगर आपकी पूरी हो जाती है, 18 साल एज पूरी हो जाती है तो आप कंपनी में काम कर सकते हैं, जूनियर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर बन के आप काम कर सकते हैं। अब बहुत सारे अलग अलग जो है डिप्लोमा के बाद ऑप्शंस होते हैं। अब आपको सोचना है कि अगर मैं डिप्लोमा लेता हूं तो किसमें मैं जाना चाहिए, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कानेर में आप आइए, बाला साहेब माथरे पॉलिटेक्निक में आप विजिट कीजिए, वहां का सारे स्टाफ को मिलिए, वहां के लैब को देखिए, वहां पर चलते हुए लैब को देखिएगा और वहां पर आके आप वो सारी चीजें को देख सकते हैं। अगर नहीं है तो हेंद्रेपाड़ा पर आकर आप कॉलेज को विजिट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, अलग ऑप्शंस है। एक होता है डिप्लोमा डिप्लोमा